मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जांपल कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। हमारे पास है 25 स्टूडेंट्स का ये हमारे पास डेटा है। अब इस डेटा को हमने एक टेबल की सूरत में लिखना है, एक टेबल बना के उसकी सूरत में रखना है। जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लगाए तो मैं आपको बताता हूँ, टेबल में आपके पास आएंगे, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कहे ना तो इसमें चार आपके पास आएंगे कॉलम्स, 4 कॉलम्स आपके पास होंगे, ठीक है। पहला कॉलम होगा आपके पास मार्क्स का, या भी मार्क्स दिए हुए ना आपके पास, जो भी गिवन दिया हो, अगर वेट दिया हुआ है वेट होगा, कुछ भी जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ उसका होगा। दूसरा कॉलम होगा आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी का, तीसरा आपके पास उसकी क्लास बाउंड्री का, और चौथा उसका मिड पॉइंट का, ठीक है। ऐसे आप लाइन ड्रॉ करके कॉलम बना लें। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले होंगे मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे उसने मार्क्स दिए हुए हैं ना, सबसे पहले मार्क्स, फिर उसकी होगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने लेक्चर पूरा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास बाउंड्री में हमने पूरे डिस्कस की हुई है, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को इससे भी डिनोट करते हैं, एक्स से भी, ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इस कॉलम को देखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले मार्क्स हैं, अब मार्क्स के हमने बनाने हैं ग्रुप, क्लास बनानी है। अब कितनी क्लास बनानी है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फार्मूला आपको डिस्कस किया हुआ है। क्लास के बीच में आपने कितना डिफरेंस रखना है, क्लास इंटरवल कितना रखना है, पर क्लास इंटरवल ये साइज होगा आपके पास, क्लास इंटरवल के लिए आपके पास जो मैक्सिमम नंबर जो दिए हुए हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स और मिनिमम नंबर्स, और जितने आपने ग्रुप बनाने हैं आप तक है, आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हो, 5 बनाना चाहते हो, 6 बनाना चाहते हो, 7 बनाना चाहते हो, मिनिमम 5 हो, मैक्सिमम 15 ग्रुप होने चाहिए, तो क्लासेस होनी चाहिए। मैं उसके मिनिमम लेता हूँ 5। तो जब ये लेंगे तो मेरे पास जो इसका मैक्सिमम हमारे पास आता है वो है, मैक्सिमम है इसका 65 है, मैक्सिमम मेरे पास है 65, ठीक है, 66 है मैक्सिमम, और 66 है, और कोई नहीं है, 66 माइनस मिनिमम मेरे पास नंबर आ रहे हैं 45, डिवाइड करूँगा मैं इसको 5 पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा टोटल 21, 5 दैट विल बी इक्वल टू 4.2। तो 4.2 का मतलब है कि क्लास इंटरवल में लूँगा 4। अब मैं ग्रुप बनाऊँगा, ग्रुप में क्लास इंटरवल कितना लूँगा, 4। अब क्लास इंटरवल 4 लेना है तो स्टार्ट करना है मिनिमम से, मिनिमम है 45, फ्राम 45 क्लास इंटरवल 4, 45 में 4 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 49, ठीक है। अब क्लास इंटरवल ऐसे ही बनाते हैं ना, पहला 45 है, अब प्लस क्लास इंटरवल 4 लेना है, 4 49, फ्राम 45 टू 49 हो जाएगा, 49 के बाद यहाँ पे 50 प्लस 4 54 ही आ गए, यहाँ पे एक आ गए 55 प्लस 59, अब इसी तरह आएगा 60 टू 64, और आगे आएगा 64 के बाद 65 आता है ना, 65 से लेके 69, ये हमारे पास इसका क्लास इंटरवल आएगा। अब ये क्लास इंटरवल बनाना सीखिए। अब फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको पहले बताया हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि इसके क्रॉसपॉन्डेंस, इस ग्रुप के क्रॉसपॉन्डेंस यानी 54 और 59 के बीच कितने आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो उसकी क्या होगा, वो इसका फ्रीक्वेंसी होगी। अब 55 से 59 के बीच, 45 से 49 के बीच देखें, 45 1, इसमें 45 इंक्लूडेड है, 45 1 है,
अब 45 के बाद देखिए आगे आपके पास 49 के लिए 48 बस, तो ये दो आ रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी दो। ऐसे शुरू करना है पहले ये, फिर उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी बनाएं। 50 to 54 के बीच में देखें, इस तरह सर्च करके 50 और 54 के बीच में 51, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 54 तक जाना है, 55 नहीं डालना। अब 54 तक ये भी आता है और ये भी आता है, तो काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9। ठीक है, इस तरह 55 और 59 के बीच में देखेंगे तो ये आएगा 4, 60 और 64 के बीच में देखेंगे आप तो ये आएगा आपके पास 7, और लास्ट आप 65 और 69 के बीच में देखेंगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। ये इधर से आपने देखना है कि इनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, वो आपके पास इतने नंबर्स आप लिख दें। अब नेक्स्ट है क्लास बाउंड्री। अब क्लास बाउंड्री बनाने पे मैंने एक पूरा लेक्चर दिया हुआ है, फिर मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। अब क्लास बाउंड्री पहले क्लास की बनानी है, ये है 45 49, ठीक है। अब इस 49 और ये 50, ये जो फर्स्ट ग्रुप है फर्स्ट क्लास की बनाने के लिए, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट, इधर लिखना है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस ये लोअर अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय, अब इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा आपके पास 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 0.5। ये 49 है ना, अब इसको 50 को इस 49 से माइनस करना है, ये आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये जो पहला क्लास है 45, इसमें से माइनस करना है 0.5 को, दैट विल बी इक्वल टू 44.5, और ये दूसरा जो है इसमें ऐड करना है 0.5 को, 49.5 आपके पास बन जाएगा। तो पहला क्लास इंटरवल हमारे पास बनेगा 44.5 और आगे इसकी अप्रोचेस टू किसको, 49.5 को, ठीक है। ये पहली क्लास की आपकी बन जाएगी। दूसरी के लिए सेम, इसको उठा के इधर ले आए 49.5 को, अब ये 0.5 ऐसे चलता रहेगा, ये इधर आ जाएगी और ये जो ये है इसमें 0.5 ऐड कर दें, ये इधर आ जाएगी, अब इसमें 0.5 ऐड कर दें, ये इधर आ जाएगी आगे 59.5 और इस 64 में 0.5 को ऐड कर दें, अब 64.5 इधर आ जाएगा, अब 69.5। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये याद रखें, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम है तो ये जो हमारे पास आएगा ना क्लास बाउंड्री के डिफरेंस, ये सब में सेम आएगा। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपने ये याद रखें, जो इसको और इसको निकालने से जो हमारे पास क्लास डिफरेंस आता है ये 0.5, इस 0.5 को ये जो लोअर लिमिट्स सारी क्लासेस की हैं इसमें से माइनस करना है और अपर लिमिट्स में ऐड करना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है। लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। अब इससे बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, मिड पॉइंट यानी कि आपने किसी भी चीज़ का सेंटर निकालना है, तो उसके लिए इस क्लास का मिड पॉइंट निकालना है 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। मिड पॉइंट सेंटर 2 पे डिवाइड करके निकलता है 9495 हमारे पास 4448 और 94 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब 2 2 4 8 47 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, पहले का 47। सेकंड का निकालना है सेम 50 प्लस 54 करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आपके पास आएगा 54। अब इसका निकालेंगे सेम 57 आ जाएगा,
अब इसका आएगा 62, अब इसका आएगा 67, ठीक है। ये वही है, लोअर प्लस अपर लिमिट को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, ठीक है। मिड पॉइंट, ये सारे ऑलरेडी लेक्चर्स के मैं लिंक डालूंगा, आप देख लें। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हर क्लास के लिए, इस क्लास के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, ये हमारे पास इसकी आ जाएगी टोटल, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल कितनी क्लासेस आई थी, टोटल ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये टोटल 25 आ जाएगा। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब आपको कहें ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपके पास चार कॉलम्स होंगे, पहले मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, मिड पॉइंट। मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता दी है कि आपने क्लास बाउंड्री कैसे निकालनी है, आपने फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है और मिड पॉइंट कैसे निकालना है। अगर आपने इनके अलहदा अलहदा लेक्चर्स मैंने हर टॉपिक पे किए हुए हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप लेक्चर को विज़िट करते हैं, अपना फीडबैक देते रहिए, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।